पहली बात तो ट्रू लव ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, मैं नहीं जानता हूँ ट्रू लव हेल्प, और वैसे तुम्हें कैसे पता कि वो ट्रू लव है कि नहीं है, ये भी थोड़ा क्वेश्चनेबल है। तुम्हें कैसे पता इस इमेच्योर स्टेज में कि वो ट्रू लव है कि नहीं है, या फिर तुम वैसे पहले से डिसाइड कर चुके हो मैं तो तुझसे शादी करूंगा या मैं तुझसे शादी करूंगी। अगर ऐसा कमिटमेंट भी कर चुके हो कि तू ही है मेरे लिए सब कुछ, मैं तो तुझसे शादी करूंगा, तो फिर तो एक दूसरे को अपलिफ्ट कर सकते हो। जब तुमने एक दूसरे को शादी करनी है तो भाई शादी के बाद एक दूसरे को पालोगे भी तो सही, पेट भी तो पालना है, परिवार भी तो चलाना पड़ेगा, घर परिवार, इतना कमिटमेंट किया तो पेरेंट्स के भरोसे तो नहीं चला सकते ना। तो कहो एक दूसरे से कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, शादी करनी है, लेकिन उससे पहले करियर भी बनाना है, और कोई तुम दोनों में से एक भी डॉक्टर बन गया तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। और कंजर्वेटिव माहौल नहीं है तो लड़की डॉक्टर बन गई तो बहुत अच्छी बात है, और कंजर्वेटिव माहौल है तो फिर तो तुम्हें बनना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए कि भैया लड़की तो डॉक्टर बन गई और लड़का कुछ करता नहीं है। सो वो सिचुएशन भी इंडिया में थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। तो बेटर है कि आप दोनों एक दूसरे म्यूचुअली एक दूसरे से बात करो कि ट्रू लव है, शादी करनी है, बट शादी के बाद पेरेंट्स से थोड़ी सहारा लेना है। इन दैट केस वी हैव टू हेल्प ईच अदर। कैसे? साइड हो जाओ एक बार, हेल्प करो एक दूसरे की, सिर्फ पढ़ाई की बातें करो और कुछ नहीं, बाकी बातें हैं ही नहीं, बाकी बातें सिलेक्शन बाद। ऐसे हेल्प हो सकता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि ट्रू लव मिल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। और अगर ट्रू लव मिल गया है और तुम्हें शादी करनी है तो फिर तो यार ये भी अंडरस्टैंडेबल है, वो भी समझेगी और तुम भी समझोगे कि नहीं वाकई में परिवार और आगे कमाना भी तो जरूरी है ना। तो जब दोनों समझ ही जाओगे तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग सेट होगी, तुम्हें तुम्हारा साथी मिल गया।